हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप एवरीवन डूइंग गुड गाइस। सो आपके रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा विंटर वेयर हॉल। और हमेशा मैं वीडियो में पूरा लुक बुक दिखाती हूँ, बट इस बार वीडियो में गाइस मैं सिर्फ ट्राई ऑन दिखाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। सो एक ही प्लाजो में और एक ही बूट में मैंने आपको पूरा हॉल ट्राई ऑन में दिखाया है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइज। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। कॉमेंट में बताओ कि आज का हॉल कैसा लगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने पिक करा है ये एच&M ब्रांड से है। 2300 रुपीज़ इसका प्राइस है। साइज़ मेरे इस पर लार्ज है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। अगर आप मीडियम पहनते हो तो मीडियम पे ही जाना। मैं मीडियम पहनती हूँ बट मैंने लार्ज लिया थोड़े से लूज फिटिंग के लिए। बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कि एकदम सुपर फाइन क्वालिटी है। मटेरियल बहुत अच्छा और इतना स्ट्रेचेबल है कि आपको पहनने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हाईली रिकमेंड करूँगी। डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप इस तरीके के ओपन श्रग काइंड ऑफ स्वेटर पहनना पसंद करते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मुझे विंटर्स में ऐसे श्रग जो बहुत वार्म भी रखे और सेम टाइम पे स्टाइलिश भी लगे, और ऐसे कलर जो है ना वो सब पे बहुत अच्छे से जाती है। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा टॉप या जीन्स वगैरह नहीं है, ब्लैक प्लाजो या ब्लैक टॉप के साथ ये बहुत प्यारी लगती है। ब्लैक बूट्स में भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो प्लाजो मैंने पहना है ये बहुत पुराना है गाइस, H&M से। इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, ये ऑफलाइन है। और बूट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया लाइक मिंत्रा से लिया बहुत बढ़िया बूट है गाइस। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। 2000 रुपीज़ में मुझे मिली है तो जल्दी से ग्रैब कर लो। तो दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है। टॉप बहुत पुराना है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पे। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये मरून कलर की ट्रेंच कोट गाइस, जो 2200 रुपीज़ में मुझे मिली है। बट इसका प्राइस आज का 2900 रुपीज़ है, बट ये 2200 तक जाती है। इस पर मेरा साइज़ लार्ज है, मैंने एक साइज़ अप लिया है। और मैंने इसे पसंद किया था इसके लुक और बटन्स की वजह से। जो इस पर 3 और 4 बटन्स दिए हुए ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। इसका जो पैटर्न ट्रेंच कोट वाला है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइज़। और प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया भी लगी मुझे। लेंथ वगैरह अगर आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट लेंथ है जितनी होनी चाहिए। मेरी हाइट 5'4" है और कुछ इतनी लेंथ है। इस पे जो कॉलर बनी हुई है वो कुछ सैटन मटेरियल की है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलर है। एंड बटन्स आप देख सकते हो, ये मुझे बटन बहुत ज़्यादा पसंद आई। बट जो मुझे पसंद नहीं आए और जिसकी वजह से मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, वो आप इसका डस्ट देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। आप मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट चिपकने वाले हैं। सो ये जो मटेरियल होती है ये मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। ऐसा है कि इसको आप साफ़ करते रह जाओगे, साफ़ नहीं होती है, बहुत दिक्कत होता है बैलेंस करना। अदरवाइज़ ये कोट बहुत प्यारा है। अगर आप ये ये जो डस्ट है ये अगर आप हटा सकते हो, किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो आप ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि आप बटन्स लगा कर भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओपन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसका जो लेंथ है वो बहुत प्यारा है। अंदर जो है मटेरियल वो भी बहुत कम्फर्टेबल है और इसका लेंथ भी बहुत बहुत ऑसम है। एंकल लेंथ प्लाजो या फिर कोई मीडी ड्रेस हो, शॉर्ट ड्रेस हो, हाई बूट्स के साथ ओपन रख के सबके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगी। बट मैं इसे नहीं रख रही हूँ, मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। बस मैंने आपको ट्राई ऑन करके दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं और वो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है। सो मैं कोई और मटेरियल में कुछ ऐसा ट्रेंच कोट ढूंढूंगी और बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये वाली आप कैसी लगी आप मुझे बताओ। और आप रख रहे हो या नहीं या लेने वाले हो तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ब्लैक एंड वाइट जंपर गाइस, और ये H&M ब्रांड से है। 799 इसका प्राइस है। इस पर मेरा साइज़ लार्ज है, मैंने एक साइज़ अप लिया है। ये जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिए ना, जो ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। सो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ, मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है। इसका जो लुक आ रहा है वो भी बहुत प्यारा। आप चाहो तो इसे किसी भी टॉप ये पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हो। इसका नेकलाइन इस तरीके से कुछ दी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है। एंड शोल्डर इसका ड्रॉप शोल्डर है। ड्रॉप शोल्डर वाले स्वेटशर्ट या जंपर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ट्रेंड में भी है। सो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने इसे एंकल लेंथ प्लाजो के साथ स्टाइल करा है जो ऑलरेडी मेरे पास थी। आप चाहो तो जीन्स के साथ, बॉयफ्रेंड जीन्स के साथ या फिर फिटेड जीन्स के साथ भी उतनी प्यारी लगेगी। आप स्कर्ट के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। सो आप जैसे मर्जी वैसे स्टाइल कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे ब्लैक बूट्स नहीं थी इसलिए मैंने ये कलर की बूट्स के साथ स्टाइल करी। मेरे सारे बूट्स मेरे दिल्ली वाले घर पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है विंटर्स का। तो
मैं इसलिए स्टाइल करके आपको यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ ब्लैक के साथ, बट आप 100% ब्लैक या व्हाइट के साथ जाना, ये ज़्यादा बेटर लगेगी। सो कैसी लगे आप मुझे कमेंट में बताओ। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई और मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, और देखने में सी थ्रू लगेगा भी अगर आपको, तो ये सी थ्रू उतना नहीं है गाइज, मटेरियल बहुत ज़्यादा ऑसम है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये ब्लैक रिब फ्रंट ओपन लॉन्ग लाइन स्वेटर, और ये मुझे मिली है 899 की। आज का प्राइस इसका 1200 रुपीज़ है गाइस। सो कुछ इस तरीके से इसके स्लीव्स है, नीचे को ये थोड़ी सी पफी स्लीव्स बन जा रही है, और श्रग काइंड ऑफ पैटर्न है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। ऐसा स्वेटर शीन में बहुत मिलती थी, और मेरे पास ऐसे शीन की बहुत कलेक्शन है, बट शीन बंद हो चुकी है, तो एक ऑप्शन है मिंत्रा पे आपको ऐसे ऐसे मिल जाती है। इसकी लेंथ जो है परफेक्ट है, अगर किसी को बहुत लॉन्ग पहनना पसंद नहीं है, सो थाई तक ही आती है, काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी, और मटेरियल भी काफ़ी अच्छी है, लाइक बहुत ज़्यादा वॉर्म भी रख रही है, तो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे भी ऐसे स्वेटर्स में ना आपको ज़्यादा स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी टॉप जीन्स ड्रेस या कोई भी आउटफिट के साथ डालोगे ना, इवन सूट के साथ भी डालोगे, तो ये बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि इसका जो पैटर्न फ्रंट वाला होता है ना श्रग काइंड ऑफ, वो एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो मैं से भी हाईली रिकमेंड करूँगी। इसमें मेरा साइज लार्ज है, मैंने सब पे साइज को लार्ज ही रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज पहनना पसंद है, वैसे मुझे मीडियम साइज आ जाती है। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ। मैंने बस एक दो टॉप चेंज करके आपको दिखाया गाइज, और जो बूट्स है और पैंट है वो मैंने सेम रखा है। सो कॉमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसे लगे। नेक्स्ट सेम आउटफिट के साथ मैंने चेंज कर दिया है सिर्फ ये श्रग, जो सेम मैंने टॉप के साथ आपको दिखाया है। इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, पहले वाला का थोड़ा कर्व्स पैटर्न है, आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट फिट वाली श्रग है। सो फ्रंट ओपन, और ये मुझे मिली है 1200 रुपीज़ में। आज का प्राइस इसका 1300 रुपीज़ है। साइज मेरा इस पर मीडियम है, मैंने इस पर एक साइज़ अप नहीं ली है, बट इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये एक ऐसा कलर है गाइस कि ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स में ये अच्छे लगने वाले हैं, सूट्स में भी, कुर्तीज़ में भी ये बहुत अच्छे से जाती है, और दो पॉकेट्स भी आपको फ्रंट पे मिल रही है, बैक पे जो लेंथ इसकी जो है ना, ये ब्लैक से ज़्यादा है, और जो मैंने फर्स्ट में H&M से दिखाया था उससे कम है, तो ये मीडियम वाली लेंथ है, जो जिनको भी नो शॉर्ट हाइट गर्ल्स है जो H&M वाली नहीं ले सकते, वो ये वाली खरीद सकते हैं। एंड इसका जो आप देखोगे ना पैटर्न, वो टेक्सचर वाला डिज़ाइन इस पर करा हुआ है, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। जो स्लीव्स में दिखा रही हूँ ऑल ओवर पूरी ये कार्डिगन में सेम स्टाइल करा हुआ है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा वॉर्म रख रही है और बहुत ब्यूटीफुल है। और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये मरून कलर की स्वेटर, और ये मैं इसका नेकलाइन दिखा रही हूँ जो ओपन हो सकती है गाइस। सो आप इसको दोनों तरीके से वेयर कर सकते हो, लाइक ऐसे भी, और बटन लगा के कॉलर वाला ये स्वेटर भी बना सकते हो। ये मुझे मिली है 750 रुपीज़ में समथिंग, और आज का प्राइस इसका 934 है, तो 60% तक ऑफ ये जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें मेरा साइज लार्ज है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फिट वाली ही फीलिंग दे रही है, मीडियम वाली फीलिंग दे रही है, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, बट हाँ पहनने के बाद मैनेज आराम से हो सकता है। अगर बहुत ही सर्दी वाली जगह पे आप रखते हो तो इसके ऊपर से कोट वोट भी डालोगे तो बहुत प्यारी लगेगी, और कम सर्दी है तो फिर सिंगल ये काम चल जाएगी, और सी थ्रू भी नहीं है, नॉर्मल है, लाइक जैसे स्वेटर होती है बिल्कुल वैसे ही है। और बेस्ट पार्ट मुझे इसकी लगी कि जो वो नेकलाइन है ना इसकी, ये आप जो हटा सकते हो लगा सकते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैं इसे हटाकर भी आपको दिखा रही हूँ कि एज अ सिंपल स्वेटर ही ऐसे लग रही है, आप चाहो तो फ्रंट पे स्कार्फ डाल लो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। सो मैं सजेस्ट करूँगी इस पर एक साइज़ अप लोगे ना, तो ये अच्छी ज़्यादा बेटर लगने वाली है, और जीन्स के साथ ये और असम लगेगी। मैंने जीन्स के साथ स्टाइल करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग वीडियो नहीं बनाया, बस ट्राई ऑन वीडियो आपको दिखाया है। सो आज का ये हॉल कैसा लगा कॉमेंट पर ज़रूर से बताएं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें गाइज, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।